देश भर में पिछले दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने की घटनाएं सामने आई हैं माननीय। कहीं पर गोडसे की जिंदाबाद लगाकर अपमानित किया जा रहा है, कहीं पर माननीय गांधी जी की फोटो पर गोली चलाकर नीचे ब्लड गिरा के अपमानित किया जा रहा है, और अभी एक मामला माननीय सामने आया है जिससे हम सबका और पूरे देशवासियों का सर शर्म से झुक जाएगा। शराब की बोतल पर माका ब्रेवरी नाम की एक कंपनी, जो इज़राइल की कंपनी है, उसने शराब की बोतल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो लगा दी है माननीय। और इसकी शिकायत एबी जोस नाम के एक व्यक्ति, जो गांधी मेमोरियल फाउंडेशन केरला के अध्यक्ष है माननीय, उन्होंने इज़राइल के प्रधानमंत्री से की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक चेहरा पूरी दुनिया में जो हम बनाते हैं अहिंसा के पुजारी के तौर पर, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने जीवन भर शराब का विरोध किया माननीय, नशाबंदी के खिलाफ जीवन भर रहे माननीय, उनके चेहरे को एक शराब की बोतल पर लगाया जा रहा है। और जो लगाने वाला व्यक्ति है अमित सिमोनी, इसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है hipstory.com। उस वेबसाइट पर गूगल्स पहन के और विकृत तरीके से गांधी जी की फोटो भी लगाई गई है माननीय। मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन शराब की बोतलों को और इस कंपनी पे रोक लगाने का, और जो बोतलें बाजार में हैं गांधी जी की तस्वीर के साथ, उन बोतलों को हटाने का प्रयास करें, अपनी ओर से कोशिश करें। ठीक है, यही अनुरोध और विनती आपके माध्यम जी। प्लीज भाई, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, मामला गंभीर है ना, आपका नहीं, आपका नहीं, बाकी आपको बुला रहा हूँ, एक सौ बाकी लोगों को कह रहा हूँ, थोड़ा शांति बैठे तो आप बोलेंगे। आप प्लीज बोलिए। 150वीं सालगिरह बर्थ एनिवर्सरी हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मना रहे हैं, और इस साल इस तरह की घटना अगर देखने में आएगी तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मैं माननीय चेयरमैन साहब ने आपने सीरियसली इसको लिया है, आप डायरेक्शन यहाँ दीजिए गवर्नमेंट को कि इस तरह की कंपनी को या तो बंद करना चाहिए, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही एंट्री करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए, और पूरे देश में इस तरह की ये चित्र नहीं आना चाहिए। इस तरह रेड ऑफ द हाउस जयशंकर जी, प्लीज टेक नोट ऑफ द सेम एंड देन ट्राई टू टेक अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन। If necessary, you can call the member and take the details also from him. Yes, leader of the house is there. He want to respond. I am permitting him. माननीय सभापति महोदय, माननीय मिश्रा जी ने और अन्य कुछ सांसदों ने एक विषय की ओर ध्यान दिलाया है यहाँ, और उसमें ये कहा गया है कि 17 OBC वर्ग की जातियों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने SC के सर्टिफिकेट देना प्रारंभ कर दिए हैं। ये कदापि उचित नहीं है। ये संसद का अधिकार है कि किसी SC या ST या OBC की जाति को किसी वर्ग से हटा करके किसी वर्ग में सम्मिलित करना है, ये संसद का अधिकार है। पहले भी ये मामले 2-3 बार संसद में आए, परंतु संसद की सहमति नहीं हो सकी। अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन जातियों को OBC से SC में मिलाना चाहती है, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम विचार करेंगे, परंतु अभी जो आदेश उन्होंने जारी किया है वो उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के आदेश के आधार पर किसी का प्रमाण पत्र न बनाए, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाएगा और वो निरस्त होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद। ये आप प्रदेश सरकार से को सलाह दीजिए आपके पास भेजने के लिए, और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के हिसाब से जो भी करना करें जी। मैटर्स टू बी रेज विद परमिशन, जीरो हुआ, श्री दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, अनेक स्टडीज जो हुई हैं विश्व में, उसमें ये बात सामने आई है कि फेक न्यूज आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है, और फेक न्यूज़ के कारण कई उदाहरण ऐसे हैं
जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, फसाद हुए, जिसकी वजह से पूरे समाज को आज पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आज ट्विटर हैंडल पर और भी अनेक सोशल मीडिया साइट्स पर झूठे किस्म के नाम लेकर वे इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं जिसका मैं उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। और हमें इस बात का दुख है कि कई ऐसे व्यक्तियों को फॉलो बड़े बड़े लोग करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे मंत्रिमंडल से और माननीय प्रधानमंत्री से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री जी से कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाया जाए और जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको बाध किया जाए कि इस तरह के अभद्र भाषा का उपयोग वो ना करें, और जहां भी जिस प्रकार से भी सांप्रदायिक विष फैलाने का जो प्रयास किया जाता है उस पर वो अंकुश लगे, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू।